बार फिर लगाया गया सलमान पर झूठा आरोप। एयरपोर्ट पर रोकने वाले ऑफिसर को सजा नहीं बल्कि मिला इनाम। सलमान खान को हमेशा किसी न किसी बात पर फंसाया जाता है। हाल ही में खबर आई थी कि सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने वाले ऑफिसर को सजा दी गई है। हालांकि ये पूरी तरह से अफवाह है। क्या है माजरा, आइए जानते हैं। सुपरस्टार सलमान खान पिछले दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए मुंबई से रूस रवाना हुए थे। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ISI सोमनाथ मोहंती ने सलमान को सिक्योरिटी चेक के लिए एंट्री गेट पर ही रोक लिया था। इसके बाद ये मामला काफी चर्चे में रहा था और CISF ऑफिसर सोमनाथ सोशल मीडिया पर हीरो बन गए थे। इसके बाद खबर आई कि सलमान को एयरपोर्ट पर रोकने के कारण सोमनाथ मुश्किल में पड़ गए हैं और उन पर CISF प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं, लेकिन CISF ने इसका खंडन किया है। CISF ने इस मामले में चल रही गलत खबरों पर अपने सोशल मीडिया हैंडल में लिखा, इस ट्वीट में बताया गया कंटेंट गलत है और इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। असल में मामले से जुड़े अधिकारी को प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। सलमान खान को CISF ऑफिसर सोमनाथ मोहंती द्वारा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के लिए रोकने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके बाद यूजर्स ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए CISF के ASI सोमनाथ की जमकर तारीफ भी की थी। कई यूजर्स ने CISF ऑफिसर सोमनाथ को रियल सुपर हीरो भी कहा था। बता दें कि टाइगर 3 में सलमान के अलावा कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी भी लीड रोल में है। ये पहली बार है जब इमरान हाशमी सलमान और कैटरीना के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे। टाइगर 3 के अलावा सलमान खान जैकलिन फर्नांडिस के साथ किक 2, पूजा हेगड़े के साथ कभी ईद कभी दिवाली और आयुष शर्मा के साथ अंतिम द फाइनल ट्रुथ में भी जल्द ही नजर आने वाले हैं।